Let's go. Yo, I'm like an addict. Ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Salam, namaste, wanakam, sasriyakal. Kaise hai aap log? Ummeed hai aap log bahut hi zyada badhiya honge. Ji haan, aaj abhi isi waqt, literally at the right moment, aap shayad badhiya honge. Kyunki इससे पहले आप बढ़िया नहीं थे, क्योंकि मार्केट जो है अच्छा खासा ब्लडबथ जो है हमको दिखा रहा था। मार्केट बुरी तरीके से क्रश हो रहा था। अभी 17,000 का थोड़ा ऊपर, 17,400 का आसपास यहाँ पे मार्केट जो है वो चल रहा है। यहाँ पे जो जब से CPI डेटा रिलीज़ हुआ है, CPI डेटा रिलीज़ होना क्या अभी शायद आधा घंटा हो चुका है, मैं वीडियो शूट करने लगा हूँ, तो यहाँ पे CPI डेटा रिलीज़ होते ही यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे ग्रीनरी दिखाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी कुछ चीज़ें जो अच्छा खासा मेटिक जो है 12.8% के साथ यहाँ पे पंप ले रहा है। शिबाइनो अप्रॉक्सीमेटली 5% के साथ। FTT सिर्फ अभी तक से नेगेटिव में है, लेकिन और भी ज़्यादा काफ़ी नेगेटिव में था। अभी थोड़ा बहुत और ऊपर थोड़ा उठा है यहाँ पे। BTT BitTorrent Coin जो है वो भी 6.3% का यहाँ पे पंप ले रहा है। तो मार्केट में अभी जो CPI डाटा के साथ साथ CPI डाटा हम लोग जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे अच्छा आया है, जिसके वजह से यहाँ पे जो है मार्केट में हमको काफ़ी अच्छा यहाँ पे चीज़ें जो है वो दिखाई प्ले आउट होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी FTX का बात करें तो यहाँ पे जैसे ही CPI का मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यहाँ पे पेज में आया हो, तब नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे FTX जो है अभी भी यहाँ पे ऐड चला रहा है, अभी भी FTX जो है ऐड चला रहा है। क्या ही बताएं इसके बारे में। इसके वजह से पूरा मार्केट जो है वो डाउन चल रहा है यहाँ पे, तो अभी भी इनका ऐड जो है वो यहाँ पे चल रहा है। हमने क्रिकेट स्टेडियम में भी पीछे बैनर पे यहाँ पे इनका ऐड अभी भी चल रहा है यहाँ पे। तो ये क्या चल रहा है पता नहीं FTX की तरफ से। तो अभी अगर हम बात करें, यहाँ पे फोरकास्ट कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि 8% के जैसा US मतलब यहाँ पे CPI डेटा जो है वो आएगा, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन से कूलर प्राइस में आया है, कूलर परसेंटेज में आया है 7.7% के साथ यहाँ पे। इसी के लिए मार्केट जो है हमको थोड़ा बहुत पंप लेते हुए देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन का हम बात करें तो बिटकॉइन 17,400 के आसपास यहाँ पे ऊपर उठ के आया है, चला गया था 15,500 डॉलर के आसपास यहाँ पे जाके टच करके रिबाउंस यहाँ पे हुआ है, जैसे US डाटा जो है CPI डाटा जो है वो यहाँ पे सामने आया है। तो अभी अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसके साथ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी एट प्रेजेंट जो है मार्केट में चल रहा है, तो इसके बारे में कुछ न्यूज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। और CPI डाटा तो आप लोगों ने देख ही चुके होंगे, और इसी के साथ बहुत सारे लोग एट प्रेजेंट मार्केट में भाग दौड़ पे लग गए हैं अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए। काफ़ी लोग अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। कल रात भी मैंने कल का वीडियो में बोला था कि मैं SIP करने वाला हूँ, तो मैंने कल रात 1:30 बजे के आसपास एक छोटा सा SIP किया था, अच्छा खासा अभी प्रॉफिट में चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ कॉइन्स में किया था, जैसे मैं कॉइन्स अभी रिवील नहीं कर सकता, अच्छा चलो रिवील कर ही देता हूँ। सैंडबॉक्स में किया था, डोज कॉइन में किया था, कुछ ऐसा कॉइन्स में मुझे करना था जो कि मेरा मतलब कब से मैं करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिल रहा था, तो कल मिला तो मैंने कर लिया। यहाँ पे ये मेरा 4th SIP था। तो अभी यहाँ पे न्यूज़ में बढ़ेंगे। न्यूज़ में बढ़ने से पहले आप इमीडिएटली नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जब भी यहाँ पे CPI का डेटा आया है कुछ ही सेकंड का अंदर हमने यहाँ पे टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया था। काफ़ी कुछ इंस्टेंट न्यूज़, इंस्टेंट अपडेट जो है हम टेलीग्राम पे इंस्टेंटली पोस्ट करते रहते हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर कुछ हो नहीं भी हो तब भी आपको नॉलेज जो है काफ़ी अच्छा खासा गेन होगा, इसीलिए जाके टेलीग्राम चैनल जो है वो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरा ये इंस्टेंट न्यूज़ और ये सभी कुछ चीज़ें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर देना, साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक भी कर देना। तो चलिए अब बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे चल रहा है मार्केट पे। बिटकॉइन पंप्स टुवर्ड 18,000 एज US इन्फ्लेशन बेटर देन एक्सपेक्टेड। यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस जो है 18,000 का मतलब तरफ बढ़ने का कोशिश कर रहा है, जैसे यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है बेटर आया है, एक्सपेक्ट जितना कर रहे थे 8% का उससे बेटर आया है, तो इसी के लिए यहाँ पे 18,000 की तरफ यहाँ पे मूव ले रहा है। अभी ये पूरा मार्केट के लिए अच्छा है, शायद यहाँ से मार्केट जो है हमको रिवर्ट होते हुए देखने को मिल जाए, यहाँ से बाउंस बैक। ये जो बॉटम था हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम ये प्रे कर रहे हैं एट प्रेजेंट कि यही बॉटम रहे और बॉटम में हमें ना जाए, लेकिन पता नहीं मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि बॉटम और भी नीचे जा सकता है, कुछ भी चीज़ें जो है वो पॉसिबल हो सकता है मार्केट में। तो यहाँ पे जो है मार्केट जो है एट प्रेजेंट 18,000 डॉलर की तरफ यहाँ पे बढ़ने का कोशिश कर रहा है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ अपडेट्स का, तो यहाँ पे देख सकते हैं SEC इन्वेस्टिगेटिंग बाइनेंस एंड Coinbase आफ्टर FTX एक्सप्लोजन। तो SEC का यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है बाइनेंस और Coinbase को लेके, FTX का यहाँ पे एक्सप्लोजन जब भी हुआ है तब से, मतलब FTX का जब भी यहाँ पे भसड़ मचा है तब से यहाँ पे
एसईसी जो है इनका पीछे लग चुका है। अब हम इसी का वेट कर रहे थे कि एसईसी कब लगे, क्योंकि एसईसी जब लगेगा तब बहुत बुरा हाल होने वाला है, कंप्लीटली मार्केट का भी हो सकता है अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें यहाँ पे निकल करके सामने आता है तो। अब बढ़ते हैं हम अगले किस अपडेट की तरफ, जो है हमारा अगले अपडेट ये है कि इलोन मस्क जो है वो उन्होंने ट्विटर पर कल ट्विटर पे एक ऑडियो वहाँ पे पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था, उसमें यहाँ पे उन्होंने लाइव आके वहाँ पे बताया है कि डोजकॉइन का क्या यूज़ केसेस हो सकता है। ऐसे तो डायरेक्टली कुछ नहीं बोला उस पॉडकास्ट में, जो होता है ना लाइव ऑडियो होता है वहाँ पे, तो उस लाइव ऑडियो पे मैं भी शामिल था, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाजू में स्क्रीन पे, तो यहाँ पे मैं भी शामिल था, यहाँ पे देखा कि क्या चल रहा है, क्या बता रहे, क्या प्लान्स हैं इनका ट्विटर को लेके और डोजकॉइन को लेके। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसा खुल के सामने नहीं आया, लेकिन ये यहाँ पे सुनने को मिला है, अकॉर्डिंग टू मस्क डोजकॉइन इज बेटर सुटेड फॉर ट्रांजेक्शन। ये कल उन्होंने ऑडियो पे बताया कि ऑडियो पे जब लाइव आए थे कि डोजकॉइन जो है एक बेटर यहाँ पे ट्रांजेक्शन के लिए बेटर सूट करेगा, गिविंग इट एन एडवांटेज ओवर बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टोकरेंसीज। और ये भी बोल रहे थे कि बिटकॉइन और अदर क्रिप्टोकरेंसीज से भी ये अच्छा निकल करके सामने आएगा ट्रांजेक्शन के मामले में। तो इससे कुछ चीज़ें जो है हमको यहाँ पे मतलब ऐसे धुंधला धुंधला नजर आ रहा है कि शायद ये चीज़ आने वाला टाइम में हमको ट्विटर का पेमेंट में हमको डोजकॉइन जो है वो देखने को मिले, क्योंकि इसका काफ़ी सारे लोग जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ का। अब अगर हम बड़े हमारा नेक्स्ट अपडेट की तरफ से, तो यहाँ पे देख सकते हैं FTX जो है यहाँ पे मरने का कागार पे है। तो FTX को यहाँ पे जिंदा रहने के लिए उनको 8 बिलियन चाहिए कि वो जो है अपने आप को यहाँ पे जिंदा रख सके। तो अगर 8 बिलियन उनके पास आएगा इमरजेंसी फंड जो है, तब ये जो है यहाँ पे जिंदा रहने का काबिल रहेंगे, वरना यहाँ पे काफ़ी जल्दी जो है ये अपना दम तोड़ देंगे FTX। और दम तो तोड़ ही चुके हैं यहाँ पे, लेकिन अभी एट प्रेजेंट जो है उनको अगर इमरजेंसी फंड मिल जाता है तो यहाँ पे सर्वाइव करने का चांसेस है, लेकिन लोगों का भरोसा एक बार टूट गया है तो ये रिबिल्ट होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अभी तो SEC पीछे लग चुका है और भी काफ़ी कुछ चीज़ें जो है हमको देखना बाकी है, काफ़ी कुछ चीज़ें जो है उतार चढ़ाव जो है मार्केट में देखने को मिलेगा अभी। अब जो है नेक्स्ट अपडेट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं लैटिन अमेरिकाज लार्जेस्ट बैंक पार्टनर्स विद गैलेक्सी टू इंट्रोड्यूस क्रिप्टो ETFs। अब क्रिप्टो ETFs का काफ़ी सारा बैंक्स जो है यहाँ पे एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, अमेरिका में भी काफ़ी सारा बड़े बड़े बैंक्स ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया है। अब यहाँ पे लैटिन अमेरिकाज लार्जेस्ट बैंक जो है पार्टनर्ड विद गैलेक्सी टू इंट्रोड्यूस क्रिप्टो ETFs। तो ये काफ़ी एक सही न्यूज़ है, ऐसा बुरे हालात में अगर हमको ऐसा न्यूज़ देखने को मिलता है तो ये न्यूज़ जो है कुछ अंदर में थोड़ा स्पार्क देते हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट अपडेट का, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुकॉन CEO ऑफिशियली डिनाइज र्यूमर्स ऑफ एक्सचेंज बीइंग इंसॉल्वेंट। अब यहाँ पे कुकॉन का बारे में काफ़ी सारा चर्चा चल रहा था कि कुकॉन जो है यहाँ पे इंसॉल्वेंट होने का कागार पे है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कुकॉन जो है यहाँ पे उन्होंने कुकॉन का CEO जो है उन्होंने यहाँ पे डिनाई किया है कि वो यहाँ पे इंसॉल्वेंट नहीं हो रहे। तो इससे काफ़ी कुछ चीज़ें जो है मार्केट में अभी एट प्रेजेंट देखने को मिलेगा कि कुकॉन जो है यहाँ पे इंसॉल्वेंट बिना हो के मार्केट में अभी एट प्रेजेंट पॉजिटिव कुछ पुश जो है वो दिला सकते हैं, लेकिन कुकॉन का प्राइस जो है हमको अच्छा खासा यहाँ पर गिरावट जो है हमको देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। अब मार्केट का ऐसा CPI पॉजिटिव आने का साथ साथ यहाँ पे मार्केट में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी दिखा सकते हैं, और CEO का ये स्टेटमेंट के साथ साथ यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी जो है वो दिखा सकते हैं। भारी नंबर पे, भारी प्राइस पे, भारी परसेंटेज से यहाँ पे कुकॉन जो है वो नीचे गिर रहा है। तो ये था हमारा कुछ अपडेट्स, ये था हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन। इमीडिएटली हमने यहाँ पे ट्राई किया है कि वीडियो बना के आप लोगों के पास दे के इन्फ्लेशन का CPI का डाटा जो है वो क्या चल रहा है और क्या क्या न्यूज़ इसको फॉलोअप करके आ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे दबा दीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है आप जाके जरूर से जरूर चेकआउट कर लेना, उस पे ज्वाइन भी हो जाना, क्योंकि वहाँ पे इमीडिएट अपडेट जो है वो हम देते रहते हैं। और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक जो है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, हम ट्विटर पे भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो चलिए इसके साथ करते हैं आज का ये वीडियो खत्म, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। Oh, 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 oh